हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैंने ईद का थर्ड डे जो है उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि वो जो वीडियो है ना वो मैं बाद में बनाऊंगी जब हमने कहीं आना जाना होगा। आज का दिन जो है वो मेरा घर में ही गुजर रहा है, और आज मैंने जो है इतना तैयार व्यार भी नहीं, कोई नहीं, मैं तैयार व्यार हुई और मैंने ड्रेस भी नहीं आज चेंज किया। मतलब मैंने नॉर्मल घर वाले कपड़े पहने हैं, आज मैंने नए नए स्पेशल नहीं पहने। हालांकि मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं लेकिन आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा। तो अब जब जो है ना, तो कुछ दिनों तक ना मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी और तैयार होने वाली भी, और बहुत से प्लान्स भी करेंगे हम। तो उससे पहले जो है ना मैं आप लोगों को आज की वीडियो के बारे में बताती हूँ। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ टू ड्रेसेस। ये मैंने बहुत पहले के दिखाए हैं लेकिन मैंने जो है ना स्टिच इनको अभी करवाया है। मैंने इस दफ़ा जो है ना ये किया था कि मैंने गर्मियों के जो कपड़े हैं ना वो ले लिए थे पहले ही। मतलब जो सूट मुझे पसंद आया था ना पिछले सीज़न में एंड टाइम पर, वो मैंने ले कर रख दिया था। फिर आ गई थी सर्दियाँ तो सिलवाया नहीं गया। अब स्टिच होके वो आए हैं, वो आपको पहले मैंने शॉर्ट्स में भी दिखाए हैं और वैसे भी दिखाए हैं। अब स्टिच होकर आए हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग भी और सारा कुछ दिखाती हूँ। अब पहला सूट दिखाती हूँ। पहला मेरे पास है ये वाला ड्रेस, ठीक है। ये वाला ड्रेस मेरा है बीस्ट्री का, मोर बाग बाय बीस्ट्री। तो इसको बाहर निकालते हैं। ये इसकी शर्ट है, ये टू पीस था। दुपट्टा मेरे पास ही पड़ा हुआ है। इसका दुपट्टा मैंने अपने स्पायर वाले सूट के साथ भी पहन लिया हुआ है, पहले मैंने एक लिया था। तो ये रहा हमारा ड्रेस, ये मुझे अभी कल ही मैंने लिया है। हम नानों के घर गए थे तो वहाँ से जो है ना टेलर को दिया हुआ था, तो मैंने ये लिया है। ये इस तरह से मैं आपको इसकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर दिखाती हूँ। इसके बाजू कुछ इस तरह के हैं, ये वाला डिज़ाइन बना हुआ है बाजू पे। ये बहुत डिफरेंट स्टाइल है, मैं ऐसे स्टाइल के कपड़े पहनती नहीं हूँ, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है इस डिज़ाइन का कोई ड्रेस जो है वो मैंने पहली दफ़ा पहनना है। तो ये जो है इसके यहाँ बटन लगे हुए हैं बाजुओं पे इस तरह से, ये वाले बाजू बने हुए हैं ऊपर को करके। इनका मुझे नाम नहीं लेना अभी आ रहा, बहरहाल ये इस तरह के बने हुए हैं कुछ। और ये जो है इस तरह से शर्ट पूरी हमारे पास बनी हुई है, ठीक है, ये इस तरह से नीचे तक। और ये शर्ट स्टाइल है, मैं ज़्यादातर शर्ट्स पहनती हूँ, मुझे फ्रॉक्स फ्रॉक्स अच्छी नहीं लगती, मुझे नहीं पर्सनली अच्छी लगती, तो इसलिए मैं वो पहनती नहीं हूँ। ये शर्ट स्टाइल में, और साइड पर ये सारा जो है ना लेस लगी हुई है इसकी, ठीक है। ये भी किसी दिन पहने, ये कैजुअल हैं ड्रेसेस। तो इसकी जो है इस तरह से बैन वाला गला, ये कहते हैं ना इसको बैन वाला गला बना हुआ है, ठीक है। ये आप लोग देख लो, मैंने आपको डिटेल से दिखा दिया है। शलवार जो है इसकी वो सिंपल है, ये टू पीस था, तो जो शलवार है वो मैंने ली है और वो स्टिच करवाई है। ट्राउज़र जो है इसके साथ वो मेरा ख्याल है सिंपल ही होगा। बहरहाल निकाल कर जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ। ये स्पायर वाला जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि स्पायर की मेरी दूसरी शर्ट थी वो अभी तक स्टिच हुई नहीं है, वो कैम्ब्रे की थी, तो अब वो भी हो जाएगी तो आपको दिखाऊंगी। तो जो ट्राउज़र है ना वो कटवर्क नीचे बना हुआ है, ठीक है। मेरा इस तरह का कोई ट्राउज़र है नहीं पहले, और ये अच्छा है कि हर स्टाइल के आपके पास कपड़े होने चाहिए, और मैं वैसे भी जो है ना हर चीज़ ट्राई करती हूँ। तो इसको जो है अंदर रखते हैं, और इसका दुपट्टा भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा इसका दुपट्टा, मुझे ये ड्रेस इसके दुपट्टे की वजह से पसंद आया था बस, तो ये जो है मैंने ले लिया वह दो तीन दफ़ा। बहरहाल ये जो है इसका ड्रेस अभी आया स्टिच होकर, तो बड़ा ही मुझे ये अच्छा लगा। नॉर्मल वेयर के लिए गर्मियों में इतने हैवी कपड़े नहीं पहन सकते आप लोग, आने जाने में भी सारा कुछ तो ये चल जाएंगे। और दूसरा जो ड्रेस है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैं वाइंड अप करके रख लूँ जी। तो जो नेक्स्ट ड्रेस है मेरा वो प्राइम पॉइंट का है, वो मेरा बहुत फेवरेट ड्रेस है, और इस तरह का मेरी मम्मा ने भी सेम लिया था। हम ज़्यादातर कपड़े सेम ही पहनते हैं, इवन दैट के ईद का पहला और दूसरे दिन का ड्रेस भी हमारा दोनों का सेम था, तो हमने दोनों ने सेम ही पहने होते हैं ज़्यादातर। तो इसको ओपन करती हूँ, ये बंद हो गया खुलने की बजाय जी। तो ये है मेरे पास इसका ट्राउज़र। पहले मैंने इसका बेल बॉटम बनवाया, क्योंकि ये जो शर्ट थी ना उधर शॉर्ट बनी हुई थी, लेकिन मैंने शॉर्ट नहीं बनवाई, मुझे नहीं अच्छी लगती शॉर्ट शर्ट्स, मुझे लंबी लंबी अच्छी लगती हैं। ये रहा इसका स्टाइल बेल बॉटम का, ये मेरी दर्जन जैसी है, ठीक है। ये जो है इस तरह से है, डिफरेंट है, अच्छा है। मैंने ना इस तरह से कभी पहना नहीं है, तो डिफरेंट चीज़ें जो है ट्राई करनी चाहिए आपको। ये इस तरह से अभी तक ये जो है ना शॉपर में से मैंने अभी कपड़े निकाले हैं, ये सारे प्रेस होने हैं, ये वैसे के वैसे ही हैं, धागे भी लगे हुए हैं, प्रेस होकर ये अभी लटकाने हैं। ये तीन किस्म की
ये जो है लेस लगी हुई है, एक किस्म की है ठीक है, डिज़ाइनिंग से इस तरह लगी हुई है कि अलग अलग लग रही है, तो ये भी अच्छा डिज़ाइन है। और इसकी शर्ट दिखाती हूँ आप लोगों को। इसकी जो है ना, मैंने शर्ट और दुपट्टे की वजह से मैंने बस लिया था ये, ज़्यादातर मैं जो है ना दुपट्टों की वजह से सूट लेती हूँ। ये रही इसकी शर्ट, ये आगे जो है ना काम आने वाली हैं सारे जो कपड़े मैंने इतने बनाए हैं ना। अभी यूनिवर्सिटी भी जाना है, अभी टेस्ट भी देने हैं, अभी पेपर भी देने हैं। ये रहे हमारे पास इसका बॉटम, मैं वो फ्रंट से ओपन करती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ठीक हो गया। नीचे से दिखाती हूँ आपको, सारी लेसिंग हुई हुई है सारी साइडों पर भी। इस दफ़ा मैंने सारे जो कपड़े लिए हैं उन पे बहुत अच्छी लेसिंग से डिज़ाइन बने हुए हैं, साइडों पे भी मैंने लगवाई है चाकों के, और सही मतलब ना इस दफ़ा। ये देख लो आप लोग, तो इसका जो है ना, ये भी शर्ट है मेरी लॉन्ग, लॉन्ग इतनी भी नहीं है ठीक है। अब इसका गला खोलती हूँ, तो ये इसका गला बना हुआ है कुछ इस तरह से। ये भी सारा जो है ना ओपन बना हुआ है, हर तरह का मतलब जो है ना स्टाइल जो है कपड़ों का आपको मुझे मेरे देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो है ना स्टाइल, ये सेम मेरा सना सफीनाज वाला ड्रेस जैसा जो मैंने ईद पे लिया, लेकिन वो मैंने अभी पहना नहीं। उसमें भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि मैं उसके साथ कैसा तैयार होंगी, और सही वाला मतलब जो है ना उसकी वीडियो बनेगी। और ये जो है वो उसी तरह का, मैंने उसके साथ भी यही किया है कि मैंने नीचे ना इस तरह का लाकर लगाया है, क्योंकि वो भी ना बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये जो है इसके बाजू हैं, बाजुओं पे भी ये दरमियान में लेस लगी हुई है, और ये एंड पर लेसिंग हुई हुई है, ठीक हो गया। इसको मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये ना ऐसे है कुछ, ठीक हो गया। ये रही हमारे पास ये शर्ट। अब इसका दुपट्टा निकालने की बारी है, जिसकी वजह से जो है मैंने सूट लिया है वो ये दुपट्टा है। और इसकी शर्ट के साथ जो दुपट्टे की लुक जा रही है ना, वो बहुत अमेजिंग है, आई कांट एक्सप्लेन, ठीक है। ये सिंपल प्रिंटेड भी जो कुछ ड्रेसेस होते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इसी तरह से चीज़ें पसंद आ जाती है, जब मैं जाती हूँ बाज़ार में तो मुझे कोई डिफरेंट ही चीज़ पसंद आती है हमेशा, तो मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं ज़रूर लूँ जो डिफरेंट डिफरेंट। मेरे पास हर कपड़ा डिफरेंट ही है, हर चीज़ जो है ना वो मैंने, कोई ऐसा स्टाइल नहीं है जो मेरे पास सेम हो, मतलब मोस्टली जो है ना डिफरेंट है, और ये एक अच्छा वे है। तो ये रहा मेरा दूसरा ड्रेस। अब जी ये वीडियो इतनी थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और इन सब की अनबॉक्सिंग जो है ना वो इस चैनल पर ही हुई हुई है नीचे वाली वीडियोज़ में, तो आप लोग वो भी देखना। बाकी ईद मुबारक, आज ईद का तीसरा दिन है, और बहुत बहुत खुशियाँ आप लोगों को, मुबारक हो ईद की। बाकी चलती हूँ, और स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट वीडियोस में मैंने बहुत चीज़ें मंगवाई हैं, वो मंडे को सारी आएंगी या आगे आएंगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाई जाएंगी। तो चलती हूँ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।